देखिए दोस्तों, ये डुअल जेट MPFI इंजन है। MPFI से मेरा मतलब ये है कि ये जो है ना मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इसके अंदर, यानी कि ये जो इंजेक्शन सिस्टम है डायरेक्ट ना हो करके मल्टी पोर्ट है, यानी कि इनटेक मैनिफोल्ड के पास ही ये इंजेक्शन सिस्टम लगा रहा है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये जो वीडियो है ना आज का, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों इसलिए सीखने को मिलेगा कि बहुत लोग जो है ना काफी चीजों में कंफ्यूज रहते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो है डुअल जेट यानी कि डुअल इंजेक्टर को लेकर के। दोस्तों डुअल इंजेक्टर क्या है, क्या सचमुच में ये फायदेमंद है या सिर्फ कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की कॉस्टिंग बढ़ाने के लिए लगा दिया है। डुअल इंजेक्टर को मारुति सुजुकी कंपनी डुअल जेट इंजन के नाम से बुलाती है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये निसान कंपनी यानी कि जैपनीज जो कार ब्रांड है निसान ने मैन्युफैक्चर किया था, उसी ने इन्वेंट किया था सन 2010 में, जिसके बाद से काफी कंपनीज ने डुअल जेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें से एक है मारुति। अब जितनी भी BS6 फेज 2 में मारुति की कार्स आ रही हैं उसमें डुअल इंजेक्टर सिस्टम लगा हुआ है। अब ये डुअल इंजेक्टर क्या है, इसको पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड किए गए हैं। तो इसी के चलते आप ये डुअल इंजेक्टर के बारे में पूरी डिटेल से इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ और चलते हैं आगे, और फाइनली इस ग्राफिक्स और इस वीडियो की मदद से देखते हैं कि कैसे काम करता है डुअल इंजेक्टर सिस्टम, क्या सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग बढ़ाने के लिए है या वाकई में हमारी माइलेज की, हमारी गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ये इफेक्ट डालता है। तो दोस्तों ये है मारुति का डुअल जेट इंजन, जो मारुति ज्यादातर कार्स में जिसको इस्तेमाल कर रही है आजकल। इसके कई सारे फायदे हैं और क्या क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये डुअल जेट MPFI इंजन है। MPFI से मेरा मतलब ये है कि ये जो है ना मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इसके अंदर, यानी कि ये जो इंजेक्शन सिस्टम है डायरेक्ट ना हो करके मल्टी पोर्ट है, यानी कि इनटेक मैनिफोल्ड के पास ही ये इंजेक्शन सिस्टम लगा रहता है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं, ये जो डुअल जेट इंजन है इससे बेहतर माइलेज, बेहतर पिकअप और जो लो RPM पर इंजन लगिंग का जो इश्यू था वो सभी तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कैसे, कि फ्यूल जो है इसमें डुअल इंजेक्टर के थ्रू इनटेक मैनिफोल्ड के जरिए होते हुए और कंबशन चैम्बर में जाता है। अब जो पहले समस्याएं होती थी अनबर्न फ्यूल की, पंपिंग लॉसेस, एग्जॉस्ट लॉसेस और बाकी जो कुछ गैसेस होती थी, यानी कि जो कुछ फ्यूल होता था वो अनबर्न ही साइलेंसर से बाहर निकल जाता था, जिसको जो है इम्प्रूव करने के लिए डुअल इंजेक्शन सिस्टम यानी कि डुअल जेट सिस्टम लाया गया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो डुअल इंजेक्टर्स होते हैं इसमें एक इंजेक्टर में तो बहुत छोटा सा माइनर होल होता है और एक इंजेक्टर में थोड़ा सा बड़ा होल होता है। तो जब भी हमारी गाड़ी को ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है तो बड़ा इंजेक्टर तेज़ी से फ्यूल अंदर भेजता है, और इसी के साथ साथ जब गाड़ी हमारी हाईवे पर होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है पाँचवें गियर में, तब जो इसका जो छोटे वाला नोजल है उस पर काम करा जाता है, यानी वो काम करता है जिससे कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी खासी हो सके, फ्यूल अनबर्न बाहर ना निकले और कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज हमें मिल सके। तो इसीलिए दोस्तों डुअल जेट इंजन यानी कि डुअल इंजेक्टर सिस्टम जो है ना काफ़ी काम की चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है आज के समय में, जिसमें पावर के साथ साथ टॉर्क भी बहुत ज़बरदस्त आपको मिलता है। गाड़ी को जब हायर फ्यूल की ज़रूरत होती है तो फ्यूल ज़्यादा इंजन में जाता है, और जब गाड़ी को नॉमिनल फ्यूल यानी कि बहुत ही कम फ्यूल की ज़रूरत होती है तो इसका छोटा वाला इंजेक्टर जो है यानी कि जिसमें से बहुत कम मात्रा में फ्यूल निकलता है वो काम करता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, जिसमें पहले जो था सिंगल इंजेक्टर सिस्टम आता था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कन्वेंशनल इंजन में, और इसमें नॉकिंग यानी कि जो है थोड़ा सा गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आती थी जब लोअर RPM पर गाड़ी को हम उठाते थे, तो वो समस्या से भी निजात मिली है डुअल इंजेक्शन सिस्टम से। और इसी के साथ साथ जो अबनॉर्मल कंबशन होता था यानी कि कुछ फ्यूल जो है अनबर्न ही एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकल जाता था, और वो बाहर का पॉल्यूशन भी जिससे बहुत ज़्यादा होता था गाड़ी से, और इसी के साथ साथ जो है गाड़ी का पूरा टॉर्क, पूरा पावर उस
कंबशन से मिल नहीं पाता था। तो इसी के चलते जो है इस चीज को दूर करने के लिए मोर एफिशिएंटली इंजन काम कर सके कम से कम फ्यूल में, जिसके लिए लाया गया है ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी। इस ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी से एक चीज और सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है, वो होता है इंजन का टेम्परेचर। जी हाँ, इंजन का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नॉमिनल रहता है ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक और कंपोनेंट को ऐड किया गया है जिसको कहते हैं हम EGR, यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। इससे क्या होता है कि जब एग्जॉस्ट की तरफ से गैस निकलती है, यानी कि जब पूरा फ्यूल बर्न होने के बाद जब एग्जॉस्ट से बाहर निकलता है तो वो EGR में भी जाता है। EGR उसको फिर से इनटेक मैनिफोल्ड में भेज देता है ताकि जो है उसको दोबारा से बर्न किया जा सके। कोई भी फ्यूल का एक भी मॉलिक्यूल्स बिना जले बिना वेस्टेज के कंबशन चैम्बर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जब ये EGR में जाती है गैसेस जो सर्कुलेशन होने के लिए, तो EGR में भी कूलेंट कनेक्शन दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो जो गैसेस है उसका जो टेम्परेचर जब हाई होता है निकलते समय में उसको लो कर दिया जाता है, और लो करने के बाद उसको फिर से कंबशन चैम्बर में यानी कि इनटेक मैनिफोल्ड में भेज दिया जाता है दोबारा से जलने के लिए। तो इससे तीन चार काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। सबसे पहला तो माइलेज बहुत अच्छा हो जाएगा, पावर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ लो RPM पर जो इंजन लगिंग होती थी वो भी नहीं होगी। और इसी के साथ साथ BS6 फेज 2 के जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसमें जो एमिशन रेशियो रखा गया है उसको भी फुलफिल करने में EGR और ड्यूअल इंजेक्शन सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन भी लेस होता है, यानी कि पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। और इसी के साथ साथ BS6 फेज 2 के जो नॉर्म्स हैं उस पर भी गाड़ी खरी उतर पाती है। तो दोस्तों अंत में मैं बताना चाहूँगा कि ड्यूअल इंजेक्शन सिस्टम ड्यूअल जेट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ऑसम और काम की टेक्नोलॉजी है सभी कार्स के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।